चाय वाला डोंगा। अच्छा अच्छा आज मैं नए कप निकाले और अंदर जाके ना कप लेने गई तो नए कप की ना एक मुट्ठी टूट गई, नुकसान हो गया मेरा। कौन से ये वाली करेगी? 12 12 कप से एक एक ही मुट्ठी टूट गई। इतने प्यारे प्यारे बर्तन आपने संभाल के रखे हुए हैं, फिर कैसे करूँगा मैं? है भी मेरी। लोग भी कहते हैं कमेंट्स में कि आपके बर्तन नहीं है, उनको भी पता चल जाए ना कि अगर बर्तन तो उन्होंने हैरान हो जाना कि इधर इतने ज्यादा बर्तन है। बर्तन इतने ज्यादा है, मेरी कोई लड़की नहीं है, बेटी नहीं है मेरी कोई संभालने वाली, ये मम्मा निकाले और बेटी संभाल। चलो अब आप कहते हैं जल्दी शादी कर लो। शादी बाहर देखो बाहर फिर आके वहीं आएगी। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह खाना रेडी हुआ है, तो खाते हैं सबके साथ बैठ के। अदरक और चीनी के साथ दही पकौड़ियाँ। बहुत ही मज़ेदार डाल लिया इसको, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया। माशाल्लाह से इसकी जो लुक देख सकते हैं, खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की आ रही है। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे जी हम डालेंगे जी कढ़ाई मसाला, जो हमने पहले भी थोड़ा सा डाला था और थोड़ा सा मैं अब डाल रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी आप जो कढ़ाई मसाला ना वो ले ले, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा कवर, इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे जी हमारी जो ना चिकन कढ़ाई मज़े की हो चुकी है रेडी, तो बस हम मज़े की रोटी बनाते हैं घर की रोटी, तो फिर इसके साथ खाना टेस्ट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। जो मसाले हैं ना वो मैंने बहुत कम रखे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, बच्चे हैं तो इनका ये होता है कि ये ज़रा स्पाइसी नहीं खाते, ये वजह है। और यहाँ पे मैंने कटिंग किया है टमाटर, हरी मिर्च, प्याज छोटा छोटा, अदरक है, ये जो कढ़ाई के लिए है, ये सलाद के लिए है कुछ, और यहाँ पे दही है, और बस जिसके अंदर मसाले वगैरह चीज़ें डालते हैं। पकौड़ियों को ना मैंने पहले गर्म पानी में भिगो के रखा, उसके बाद मैंने ना इसको अच्छे से निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद मैंने रख लिया ऊपर वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में, ताकि इससे ठंडे। तो जी यहाँ पे जी मैंने बनाया जी फास्ते का शरबत, और यहाँ पे जी छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ पे कामरा साहब बैठे, यहाँ पे भाभी है, और यहाँ पे जी ताहा है, अब्दुल्ला है भाई का बेटा, और यहाँ पे जी सारे पी रहे हैं जी फ्रेश जूस फास्ते का, आप भी पियो रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे जी आगे है जी मेहमान, गुजरांवाला से मिल गया हमें सरप्राइज सुबह सुबह है सुबहान, हम तो सोए हुए थे। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए मिल्क शेक, तो बस नाश्ता वगैरह इनको करवाते हैं, फिर हम आपसे सबसे सबके साथ मिलवाते हैं उनके। ताहा जाओ, ताहा जाओ जी। ये है जी मेरी भतीजी जो गुजरांवाला से आई है, कैसा रहा आपका सफ़र? अच्छा रहा, चलो आप बैठो आप। अस्सलाम वालेकुम और फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा में ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, ऐसा और मुस्कुराता रखे, अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, जो लोग बेऔलाद है अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक माँ बाप के सारे बच्चों के सर पर सलामत रखे, अपनी जुमान में रखे। मेरी प्यारी फैमिली के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं, ऑल फैमिली के लिए लव यू, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं फैमिली के लिए दुआ करते हैं, खुश होते हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार का और मोहब्बत का। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम वीडियोस मेरी आपके पास आती रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जी अपना जी व्लॉग भी कर लिया स्टार्ट, और माशाल्लाह आज घर पर लगी हुई है रौनक, आज माशाल्लाह से सुबह सुबह अच्छी अच्छी मीठी मीठी होगी, गुड मॉर्निंग। और गुजरांवाला से आई है जी बड़े भाई की फैमिली और बच्चे भाभी, माशाल्लाह भाई भी आ गए हैं,
और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। सभी सुबह नाश्ता वगैरह करके तो फिर सो गए थे, फिर मैंने मिल्कशेक वगैरह बनाया, वो पिया किया इन्होंने, नाश्ता वगैरह उन्होंने किया, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था जब भाई और भाभी लोग आए थे सारे ना फैमिली गुजरांवाला से, तो फिर हम जो ना हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने आना है, तो फिर बस लांचने वगैरह खाए, नाश्ता वगैरह किया और अभी सो गए हुए हैं, उठते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मिलवाती हूँ। तो थोड़ा बहुत काम था वो मैं फिर करके फारग हुई थी, फिर मैं नहा धो के फ्रेश हुई और अभी मैं जाती हूँ किचन में जाके खाना वगैरह उनके लिए बनाते हैं, साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं और चलते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और कामरा ने मेरे लिए ना ये लहसुन छील के दिया, साथ मुझे प्याज छील के दिया और यहाँ पे जी मसाला वगैरह रेडी हो चुका है। चिकन को मैंने वॉश करके रखी है पहले ही, तो कामरा साहब सोए हुए थे अभी उठ गए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पे जी खालिद भाई आ गए गुजरांवाला से और यहाँ पे कामरा साहब सो गए हैं। चलो उन्होंने सफ़र किया ही तो सू तुम कार सफ़र किए। अच्छा सारे सो गए, मैं अपना काम शाम कर लूँगी इसलिए मैं नहीं सोई। अभी यान भी जाग रहा है, इसको नींद नहीं अभी आई है, मुझे लग रहा है इसको अभी नींद आई है। अभी मैं नींद आई जब प्याज के था। अच्छा बस यही वजह है, तो बस यहाँ पे अपना काम शाम मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हम बनाते हैं मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, तो उसकी हम बनाएंगे प्रॉपर रेसिपी, साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ इन्जॉय करते हैं। आटा वगैरह घूम के मैंने रख लिया था फ्रिज में, तो रोटी बनाएंगे, घर की रोटी बनाऊंगी मैं आज, तो बस साथ साथ काम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ करते हैं सारा। धनिया वगैरह भी कटिंग कर लेती तब तक मैं। अच्छा जी यहाँ पे जी मैंने अपने मसाला वगैरह रेडी कर चुकी हूँ और यहाँ पे चिकन भी वॉश कर लिया और नमक और सिरका लगा के मिल्क भी आ गया है, तो कामरन डालने वाले हैं मिल्क। और मैं जो यहाँ पर अपना काम करने वाली हूँ स्टार्ट, क्योंकि मसाले वगैरह मैंने कर लिए हैं प्रॉपर रेडी, मिल्क का भी बॉयल देते हैं, तो फिर यहाँ पर जी अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे जी दूध का बॉयल भी आना शुरू हो गया और यहाँ पे जी मेरा वेट बोल रहा है और यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई करूँगी, साथ साथ दही भले का जो दही भले बनाने हैं पकौड़ियाँ वगैरह बनानी है, दही की पकौड़ियाँ, तो उसकी जो है ना प्याज वगैरह उसकी जो सलाद है वो कटिंग करती हूँ। और काम शाम साथ साथ हो रहा है और अभी माशाल्लाह से सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सभी ने कमेंट्स किए हुए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर जी मैं सामान वगैरह कटिंग करी थी और वैसे ये कामरे का काम है कर देते हैं प्याज, पहले मुझे उन्होंने जो ना मैंने कढ़ाई बनानी है तो उसका मुझे मसाला बना के दिया था पहले मुझे कामरे में, और फिर भाई मैंने कहा आप अंदर चले जाएँ क्योंकि भाई भी ना ज़्यादा चूल्हे का शेक वगैरह गर्मी होती है, तो वहीं बैठे हुए पहले मेरे पास ही हम बातें करते जा रहे थे, तो फिर मैंने आप अंदर भेज दिया, तो मैंने कहा चलो जी साथ साथ अपना काम शाम कर लेती हूँ, तो फिर सलाद वगैरह बना लेते हैं, फिर मैंने आटा गूंथ के फ्रिज में रख लिया हुआ है, तो रोटी वगैरह मैं गर्मी में बनाऊँगी। जिसका बॉयल तो आ चुका है, तो रखते हैं उधर खुला कर देते हैं, बस एक मिनट आगे पीछे हो जाओ ना सैर पे हो जाओ, तो आपको पता क्या होता है एक मिनट जिन लगता है काफ़ी बॉयल आ जाता है। ये मैं रख लूँगी इधर उठा के, इसको हम कर देंगे यहाँ पे कवर और कढ़ाई उठा के तो रख लेते हैं चूल्हे के ऊपर, चूल्हा जलाते हैं और चिकन को कर लेते हैं फ्राई। तो जी फ्रेंड यहाँ पे सलाद वगैरह मैं कटिंग कर रही थी, साथ में दही जो ना पकौड़ियाँ बनानी है दही वाली पकौड़ियाँ वो भी मैंने रेडी कर लिया और यहाँ पे ताह तो सो के उठ गया है और बड़ी प्यारी लग रही है, फ्रेश हो गया है सो के उठ गया है। और यहाँ पे जी ईमान है, ईमान बड़ी है और ताह छोटी है, और बस साथ में तो देख रही है कि जो ना आपकी क्या कर रही हैं पुप्पो जानी मेरी क्या कर रही है, मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, तो साथ साथ इनको भी देख रही थी और साथ साथ अपना काम शाम कर रही थी। यहाँ पे जी दही भले हैं, दही भर निकल रहा है बार बार दही पकौड़ियाँ, और यहाँ पे जी हमारी कढ़ाई बन रही है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस इसको हमने हल्की आँच पे कवर किया हुआ था चिकन अच्छे से गल जाए और मज़े की खुशबू मुझे आ रही है यहाँ पे। मिर्च जो मसाले हैं ना वो मैंने बहुत कम रखे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, बच्चे हैं तो इनका ये होता है कि ये ज़रा स्पाइसी नहीं खाते, ये वजह है। और यहाँ पे मैंने कटिंग किया टमाटर, हरी मिर्च, प्याज छोटा छोटा, अदरक है, ये जो कढ़ाई के लिए है, ये सलाद के लिए है कुछ, और यहाँ पे दही है और बाकी इसके अंदर मसाले वगैरह चीज़ें डालते हैं। पकौड़ियों को ना मैंने
पहले गर्म पानी में भिगो के रखा, उसके बाद मैंने ना इसको अच्छे से निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद मैंने रख लिया ऊपर वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में, ताकि इससे ठंडे ठंडे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे इसके अंदर मसाले वगैरह डालते हैं पकौड़िए के अंदर, तो मैं बताती हूँ क्या क्या डालना है। तो जी यहाँ पे जी हम दही को पहले अच्छे से फेंट लेते हैं, यहाँ दही बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे मैंने रख लिया था बर्फ़ वाले खाने में, ठंडा हो गया तो शुक्र है मिल गया, नहीं तो आजकल दही नहीं मिलता। ये कहते हाँ नहीं आया था तो मिल गया, हाँ अगर तू ना जाता, यहाँ पे काली मिर्च पीसी हुई, यहाँ पे जीरा है, मैंने ना हाथों के साथ अच्छे से मसल के ना, तो अच्छा मैंने पाउडर सब हाथों के साथ मसला है, चाट मसाला है, थोड़ा सा नमक है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है। यहाँ पे जी मैंने ना थोड़ा सा नमक लिया है, क्योंकि जो पकौड़ी है ना उसके अंदर भी नमक शामिल है, इसलिए ना ये जो मसाला है ना इसके अंदर शामिल कर दिया। अभी यहाँ पे ना ऑयल गिरने वाला था लेकिन बच गया, अभी ये भी गिरने वाला था, बच गया, गिरने से बच गया। अच्छा जी मसाले अच्छे से कर दिए हैं मिक्स, कामरन गए हैं चक्कर लगाने बाहर भाई सारे के साथ, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे ना ये बना के ना इसको मैं रख लेती हूँ फ्रिज में, इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मेरे पास यहाँ पे जी टमाटर भी चला गया था, हरी मिर्च भी चला गई, इसलिए इन्हें स्पाइसी नहीं किया, क्योंकि हरी मिर्च भी तो है ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर ना धनिया और पुदीना शामिल कर लेते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ पे प्याज ये डालूँ, प्याज अच्छी लगती है ना, तो यहाँ पे रखी हुई थी मैंने भी गोभी, ठंडी है बहुत ठंडी है, रखी हुई थी फ्रिज में, तो इसको देखते हैं ना कितनी ज़रूरत है ना वो, कि दही हमारा काम पर जाए, पकौड़ियाँ ज़्यादा हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने ना अच्छे से कर ली है मिक्स, यहाँ ठीक है ना इतनी, हाँ जी अच्छी लग रही है ना, ज़्यादा डालूंगी ना तो कोई पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ ही हो जाएगी, ये इतनी बहुत है, बहुत है, इतनी थोड़ी सी और डाल लेते हैं, चलो इतनी छोड़ देती हूँ, क्योंकि दही है ना, फिर दही ने सारी चूस लेनी है, तो बाद में इसको रखी हूँ फ्रिज में। तो मैं देख ली यहाँ पर ये हमारी पकौड़ियाँ हो गई हैं रेडी, तो एक साइड पे ना यहाँ पे चेक करते हैं अपना कोरना भी पत्र है बन रहा है, जब मैंने चूल्हा वगैरह बंद करना है ना इसके ऊपर खुद बहुत सारी तरी आ जानी है, क्योंकि तो अभी ना यहाँ पे कुछ हो रहा है मज़े का रेडी हो रहा है। चले जी साथ में रोटी बनाती हूँ, मसूद में रखती हूँ जी। फिर यहाँ पे देखिए जी कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से अच्छे से रेडी हो चुकी है, और चूल्हा हम कर देते हैं बंद, और यहाँ पे मेरे पास है जी क्या है जी हरी मिर्चियाँ, जो कि इसको मैंने ना मैं लास्ट पे डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना इसका जो टेस्ट है ना कच्चे वाला वही मुझे चाहिए, तो वही अच्छा लगता है। तो बस इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं अदरक को, जो कि मैंने ना इस तरह का मैंने ना ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लिया है इसको, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया, माशाल्लाह से इसकी जो लुक देख सकते हैं खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की आ रही है। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे जी हम डालेंगे जी कढ़ाई मसाला, जो हमने पहले भी थोड़ा सा डाला था और थोड़ा सा मैं अब डाल रही हूँ, ठीक है, कोई सा भी आप जो कढ़ाई मसाला ना वो ले ले, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लें, और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा कवर, इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे जी हमारी जो ना चिकन कढ़ाई मज़े की हो चुकी है रेडी, तो बस हम मज़े की रोटी बनाते हैं घर की रोटी, तो फिर इसके साथ कामरन टेस्ट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। यहाँ पे जी मैं बना रही थी फारसे का शरबत, मैंने कहा गर्मी है तो जी सबके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे फारसे का शरबत, इसको इस तरह मैं छान लेती हूँ, सारा छान के ना इसके ऊपर पानी शानी डालेंगे जी। मैडम जी है माशाल्लाह माशाल्लाह की है, फ्रेश जूस है जी फारसे का, फालसा मैंने कहा कि आप तो पीते नहीं है, हाँ जी कामरा को ना पता नहीं जब शरबत पीते है ना फालसे का खट्टी चीज मेनु नहीं सिखाती, मेन असल चीज के जिस तुरश चीज होंगी है ना कोई भी तुरश चीज, और बहुत पसंद है मैनू, बहुत अच्छा लगता, बड़ा मज़ेदार होंगे, पर मैं जो पी के ना तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है चेस्ट, क्योंकि तुरश है मैंने कहा कि खाना वगैरह मेरा रेडी हो चुका है, तो भाई गए थे बाहर, तो भाई की लगी हुई थी प्याज, तो मुझे भी लगी थी प्याज, मैंने कहा ये बनाती हूँ सबको पिलाती हूँ खुद भी पीती हूँ, मज़ेदार सा यहाँ पे जी हमारा फास्ट फूड शेबल रेडी है, तो आप ही पीने आ जी। तो जी यहाँ पे जी मैंने बनाया जी फास्ट फूड का शरबत, और यहाँ पे जी
छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे कामरा साहब बैठे, यहाँ पे भाभी है और यहाँ पे जी ताहा है, अब्दुल्ला है भाई का बेटा, और यहाँ पे जी सारे पी रहे हैं जी फ्रेश जूस फासे का, आप भी पी रहे हैं, और अजान और सुबहान ये दोनों सो गए हैं, तो जब मैंने खाना वगैरह रेडी कर लूँगी ना, रोटी बनाऊँगी तो फिर उनको जगाऊँगी, वो खाने के टाइम हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ पे जी मैं बना रही रोटी और मैंने कहा रोटी वगैरह मैं खुद बनाती हूँ, बन चुकी है थोड़ी सी, रह गई रोटी वगैरह, तो उसको बड़ी छोटी बना के फिर आपको देती हूँ। जी फ्रेंड फाइनली जी यहाँ पे जी हम इसको डिशोड़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हमारी चिकन कढ़ाई हो चुकी है रेडी, तो जी इसको जनाब इसको टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे इसका जायका और इसका टेस्ट कैसा है और ये रेसिपी कैसी है। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही, ये देख सकते हैं इसकी लुक भी, और ये है जी ग्रेवी वाली रेसिपी है जी। ये देखिए कढ़ाई हमारी मज़े की रेडी हो चुकी है, तो छोटी भी प्लेट एक कामर की भी तैयार करते हैं, जो इसमें हमें टेस्ट करेंगे फिर मुझे बताएंगे कि जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लगी है देखिए जी। तो बस यहाँ पे जी जनाब आएँ और टेस्ट करें, मुझे बताएं रेसिपी कैसी लगी। तो जी फ्रेंड फाइनली खाना हो चुका है रेडी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसको कर लेते हैं डिश आउट, और जी माशाल्लाह से खाना वगैरह सभी ने खाना है, तो यहाँ पे जी साथ में खाना वगैरह बोल में डालते हैं और इसको रूम में ले जाते हैं, और यहाँ पे जी हमने रेसिपी बनाई हुई थी बहुत ही टेस्टी और मज़े की, सारे अंदर बैठते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो जी फ्रेंड यहाँ पर हमारा खाना हो चुका है रेडी, और माशाल्लाह से फैमिली बैठी हुई है, सारे खाना वगैरह खा रहे हैं, और यहाँ पे जनाब साहब बैठे हुए हैं जी। जी चस्की चस्की अब्दुल्ला जानी ने कैसा बनाया, सही बनाया मज़े का बनाया, मिर्ची तो नहीं ज़्यादा कम है ना। हाँ मैंने कम ही डाली थी, मैंने मुझे पता था कि बच्चों ने भी खाना था इसलिए मैंने मिर्ची कम डाली है। अभी सही बनाया, बहुत अच्छा बनाया। चले तो यहाँ पर जी हम भी खाना वगैरह खाते हैं इनके साथ ही बैठ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकट्ठे बैठ के खाना खाने का ना बहुत मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मुझे बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है यहाँ पे ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह खाना रेडी हुआ है, तो खाते हैं सबके साथ बैठ के। अदरक और चीनी के साथ दही पकौड़ियाँ, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे जी सुबहान साहब सोए हुए थे, उठ गए हैं शहजादे, देखना ज़रा सब ने खाना वगैरह खा लिया और ये भी उठाया है, और कामर साहब बैठ गए चेंज करके सुकून से, सीधे पदरे हो गए, मैं उधर से उठी हुई उधर आके बैठ गई, मैं भी उठ के आना उधर ही बैठना, मैंने आगे मैं देख रही हूँ मैं उधर पैरा तो बैठ रहा। तो यहाँ पे जी सुबहान को भी खाना वगैरह डाल देते हैं, सुबहान जो है ना अभी उठाया है तो सो गया था, अभी ये सामान खाना वगैरह खा लेता है, सामान तुम्हारी मम्मा ने चाय भी बनाई हुई है, ठीक है चलो खाओ। तो जी यहाँ पे जी अब बनाऊंगी मैं सबके लिए चाय, खाना वगैरह खाने के बाद आपको पता ही है ना मैंने चाय शाय बनानी होती है, बस जी पत्ती शत्ती मैंने डाल दिया, बर्तन वॉश कर दिए, सफाई सारी कर ली है, सभी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर ही सुकून था और खाना वगैरह खा के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो मैं अब यहाँ पर ना सबके लिए मज़ी मज़े की बनाऊँगी चाय शाय, फिर हम चाय शाय पिए, चीनी भी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी पत्ती डाली है, पत्ती ज़्यादा डाली है जी। मम्मा जी चाय हो गई है रेडी, रेडी हो गई है चाय, देख के ना देख रही थी मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ये चाय वाला ढूंढा। अच्छा अच्छा आज मैं नए कप निकाले और अंदर जाके ना कप लेने गई, तो नए कप की ना एक मुट्ठी टूट गई, नुकसान हो गया मेरा। कौन से ये बारह कप एक ही मुट्ठी टूट गई,
इतने प्यारे प्यारे बर्तन आपने संभाल के रखे हुए हैं। फिर कैसे करूँगी मैं? लोग भी कहते हैं कमेंट्स में कि आपके बर्तन नहीं है, उनको भी पता चल जाए ना कि अगर बर्तन तो उन्होंने हैरान हो जाना कि इधर इतने ज्यादा बर्तन है। बर्तन इतने ज्यादा है, मेरी कोई लड़की नहीं है, बेटी नहीं है मेरी कोई संभालने वाली, मम्मा निकाले और बेटी संभाल। चलो अब आप कहते हैं जल्दी शादी कर लो। शादी बाहर देखो बाहर फिर आके वहीं आएगी। ये है कि मम्मा ना बस मेरी शादी कर दी है। कोई नहीं, शादी नहीं करनी मम्मा जी, सिंगल शादी। पता क्या, मैंने एक सलमान खान कर रहा है अकेले। तुझे दे चलो मैं डालू। हाँ डालू ना 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 मैं कभी भी ना डालू, शादी नहीं करवा। ये देखिए जी पत्ती मैंने कैसे निकाली है, और यहाँ पे जी हम डाल लेते हैं चाय। सारे कहते हैं कि हमने ना हाफ हाफ कप पीना है, तो बाकी जो लास्ट में मैंने इसमें डाल दी है, और बच्चों ने थोड़ी थोड़ी पीनी है, लेकिन पीनी ज़रूर है। हाँ जी बस चाय हमारी रेडी है, तो चलते हैं अंदर जाके चाय शाय सबके साथ बैठ के पीते हैं। यहाँ पे जी बन गई है चाय सबके लिए, छोटे और बच्चे यहाँ पे आज भी आई हुई है। और यहाँ पे देखिए, हाँ जी जनाब आओ, जरा बंदा वेला बेबी नु मजा आना। आज कामरा ने कोई काम नहीं किया और सारा दिन मैं ही लगी रही हूँ। एकरा तेरा भरा वेला बैठा था, मेरी हेल्प नहीं की थी इन्हें, वो बह के किया पक्के थले बह के। और यहाँ पे आदम ही खत्म करो अपना, सारे कह रही आदम कितना कूट है, कितना कूट है, कितना पाला है। हेलो हाय, हेलो हेलो, बड़ी मामा की रिंग्स, बड़ी मामा की रिंग ही देखता काका। हाय मेरा चूना ही, मेरा चूना। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चाय शाय पीते हैं क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। चाय ना पियो, चाय पी के भी सुकून हो जाता है, मज़ेदार। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं अपनी अपनी बातें शातें कर रहे हैं सारे, कोई 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 तो मैं इनके साथ ही बातें करूँगी। अपना व्लॉग एक्टिविटी भी खत्म करती हूँ, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे नई अच्छी नई गुड मॉर्निंग के साथ, नए अच्छे व्लॉग के साथ। अगर आज की आपको एक्टिविटी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बारे कमेंट करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपके पास आती रहें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। ओके फैज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।